अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर अतीकुज़्ज़मान, मैं एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जरी में गुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में। ये उमैर अली हमारा मरीज़ है और इसका भाई भी, वो भी हमारा पेशेंट है। ये दोनों मरीज़ 2-3 साल से जो है वो चलना फिरना छोड़ गए थे, क्योंकि इनके दोनों कूल्हों के जोड़ जो हैं वो ख़राब हो गए थे। इनको एक बीमारी है जोड़ों की जिसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, और ये अपनी गुर्बत की वजह से वो इलाज नहीं करवा पा रहे थे और 2 साल से बिस्तर पे थे। इनको उठा के बाथरूम लेके जाते थे, उठा के सारे काम कराते थे। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कितना मुश्किल काम था। तो ये फिर हमारे हस्पताल आए और हमारे हस्पताल में मुखय्यर हजरात की तआवुन से हमने इनके लिए जोड़ों का इंतज़ाम किया, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इनका ऑपरेशन कामयाबी के साथ हो गया है और अब ये चलने फिरने के काबिल हो गए हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरे ये दो बच्चे, एक उमैर अली नाम है इसका, इसकी उम्र जो है ना 21 साल है। एक छोटा बच्चा है अब्दुलरहमान, इसकी उम्र 16 साल है। इनको तकरीबन 7 साल से ये जोड़ों की तकलीफ में मुतला है। तो वहाँ पर जो ना मैंने बहुत इलाज करवाया मानसहरा इलाहाबाद में, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी जो हमारे घर में जो कुछ था वो भी मैंने फरोख्त करके इन पर लगा दिया है। अभी वहाँ पे फिर हमारे को एक बंदा मिला इलाहाबाद में, उन्होंने बोला कि भाई इनको लेकर जाएं गुरकी हॉस्पिटल, वहाँ पे जो है ना बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। वहाँ से लेकर जब हम इधर लाहौर गुरकी हॉस्पिटल में आए, तो यहाँ पे जो डॉक्टरों ने चेकअप किया तो उन्होंने बोला कि भाई इनके जो है ना जोड़ चेंज होंगे। तो जोड़ों की जो लागत बताई है तो वो मेरे बस की बात नहीं थी। अल्लाह पाक ने फिर हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी की, हमारा जो इलाज हो गया वो बिल्कुल मुफ्त हुआ है। अभी तक जो है ना मेडिसिन भी, रिहाइश, खाना पीना सब कुछ हमारे को मुफ्त दिया जा रहा है। पहले जब हम लेकर आए थे तो उस टाइम तो हम स्ट्रेचर पे लेकर आए थे। अभी जो है ऑपरेशन हुआ है, जोड़ डले, उसके बाद ये अभी ये वाकर पर चलना शुरू हो गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तकरीबन 1 माह हम उधर अस्पताल में हमें रखा है, 1 महीना अस्पताल में रखा है। अभी 2 माह जो हैं वो इधर मुसाफरखाने में हो गए हमारे को। जो है अभी तक हमारे को जो है ना बिल्कुल खाना पीना रिहाइश इस टाइम तक हमारे को बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। अल्लाह का अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम जी डॉक्टर हसन बिन अकरम है और मैं एज़ ए क्लिनिकल मैनेजर डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िकल थेरेपी गुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास पहले दिन पेशेंट प्रेजेंट हुए डिपार्टमेंट में, तो स्ट्रेचर पे थे क्योंकि ऑलरेडी भी बेड रिडन थे, चल नहीं पाते थे। लेकिन अब चूंकि सर्जरी बहुत अच्छी हो गई थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि अब इनको एज सून एज़ पॉसिबल हम इस काबिल करें कि हम ये अपना जो है नॉर्मल रूटीन वर्क में आएँ, चलें फिरें, अपना काम कर सकें। यंग लड़के हैं दोनों। हमने जी अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया उनका रिहैबिलिटेशन, और अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी के मैंने और मेरी टीम ने जो उनके ऊपर मेहनत की, तो उसका समर ये मिला कि आज वो दोनों भाई जो हैं वो अपने कदमों पे चल रहे हैं। गुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल जो है वो इस तरह के मरीज़ों के लिए हमेशा से जो है वो आगे रहा है, और हमारी कोशिश होती है जितने भी मुस्तहिक पेशेंट्स हैं जो हर तरफ से बेचारे जिनका इलाज के मौके नहीं हैं, तो उनको हम हर तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड करें और स्टेट ऑफ द आर्ट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम, मेरा उमैर अली नाम है, मैं वादी कागान का रहने वाला हूँ। तकरीबन 4 साल पहले मुझे स्कूल पढ़ रहा था, मुझे दर्द निकला था मेरी टांग में, फिर वो थोड़ा बहुत दर्द था, मैं दवाइयाँ लेता था उधर अस्पताल में, एबटाबाद में आया उधर से दवाइयाँ ली, कुछ अर्से में दर्द कम हो गया, ख़त्म हो गया। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन गुजरते गए दवाइयाँ छोड़ी और उसके बाद फिर दर्द शुरू हो गया। तकरीबन एक रात में सोया हुआ था घर में, बस पास मैंने पलटा दर्द मुझे निकला। तकरीबन 1 साल उसी तरह इलाज करवाते रहे उधर, डॉक्टरों के पास आते रहे, लेकिन दर्द जो है ना कंट्रोल नहीं हुआ, ज़्यादा बढ़ने लग गया। फिर हम एक एबटाबाद में एक अस्पताल में आए हुए थे, उधर एक बंदे ने हमें बताया कि गुरकी अस्पताल लाहौर का, उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा अस्पताल है, आप इधर आ जाएं और इधर इलाज करवाएं अपना हड्डी का। तो फिर हम इधर आ गए, इधर अस्पताल में आए, और इधर जब हमने टेस्ट करवाए सब कुछ जब हुआ, तो फिर डॉक्टर साहब ने इधर बताया कि आपके जो है ना दोनों जो जोड़ें वो ख़राब हो गए हैं, अभी ये नए डलेंगे,
तो फिर हमारे पास इतना पैसा तो बिल्कुल नहीं था, जो पैसा था वो सब कुछ पहले जो है ना इलाज पे लगवा दिया, सब कुछ जो है ना ख़त्म हो गया था हमारे पास। हम तो बहुत ज़्यादा मायूस हो गए। हमने कहा अब हम वापस जाने वाले थे, हमने कहा हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है। फिर अल्लाह पाक ने ज़रमा लगाया और अब हम इधर हम मिले जो साहब में इधर के गुरकी अस्पताल के, उनसे हम मिले तो उन्होंने फिर हमारा इलाज जो है ना, उन्होंने कहा कि इनका इलाज सारा मुफ्त करवा दें। बहुत उन्होंने बड़ा हमारे साथ तावन किया, हमारा इलाज सारा उन्होंने मुफ्त करवाया, खाना पीना। अभी तक जो कुछ भी हमारे साथ, अभी 3 महीने हो गए, जितना भी हमसे हमारे साथ उन्होंने सब कुछ भी हमसे पैसा नहीं लिया। दवाइयाँ 3 महीने में जो कुछ दवाइयाँ दी हैं सब कुछ उन्होंने मुफ्त किया हमें। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र और उनका हम शुक्र गुज़ार हैं जिन्होंने हमारे साथ इतना तावन किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत पहले से बेहतर हूँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है ना सेहत बेहतर। अभी वाकर पे मैं खड़ा होता हूँ, चलता हूँ, पहले बिल्कुल मैं स्ट्रेचर पे था जब मैं इधर आया था। अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और अल्लाह पाक उनको बहुत अजर दे और अल्लाह सेहत दे उनको। उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा तावन किया, नहीं तो हम तो कुछ भी, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला का शुक्र और उनका बहुत शुक्रिया हमारे तरफ से, हमारा साथ बहुत तावन किया सब ने। एक महीने तक अस्पताल में रहे, उसके बाद हमें मुसाफर खाने में इधर जगह दी, तो फिर हम इधर रह रहे थे और साथ में उन्होंने हमें फिजियोथेरेपी का बताया वो करवाने का, वो भी बिल्कुल मुफ्त उन्होंने करवाई। अभी 1.5 महीना हो गया हम फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, उससे अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत फ़र्क पड़ा पहले से, तो पहले तो बहुत शुक्रगुजार हैं। फिजियोथेरेपी में जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने बहुत हमारे साथ बहुत प्यार से पेश आए, बड़ा उन्होंने हमारे साथ तावन किया, अल्लाह उनको अजर दे और सेहत दे, फिर बहुत शुक्रिया उनका।